आज की वीडियो में आप सभी के बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं यहाँ पे आरसी के दो लेटेस्ट प्रोडक्ट लेके आ चुका हूँ, जो गाइस मुझे पता है कि आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। फर्स्ट गाइस यहाँ पे मेरे पास है रोबोट पावर, जिसमें गाइस यहाँ पे दो फीचर आपको मिलते हैं, कार भी नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हो और यहाँ पे रोबोट भी बना सकते हो। प्राइस की दोस्तों मैं बात करूँ ना तो 1400 रुपये के आसपास मुझे मिल गया था। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके के ये सेट हमें मिलते हैं, आप लोग देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे है 360 डिग्री रिवोली रिमोट कंट्रोल, यहाँ पे क्रेन जैसी भी। गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ी क्रेन होने वाले। प्राइस की दोस्तों में बात करना थी, कुछ 2000 रुपये के आसपास मुझे मिला है। और गाइज इसका स्केल देख सकते हो, यहाँ पे ये देखिए 2.4 का ये स्केल है। और ये देखिए काफ़ी गजब की यहाँ पे ये जेसीबी मिलने वाली। यहाँ पे साथ ही में मैं दोस्तों ओपन करने वाला हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया। और इसका रिमोट दोस्तों काफ़ी अमेजिंग मिलने वाला है आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे मैं ये जो कार वाला रोबोट है उसी को गाइस फर्स्ट में ओपन करना चाहूँगा। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी इसका वेट आपको मिलने वाला है, और इसमें गाइस चार्जेबल सेल है, लेकिन मैं गाइस इसको यूज़ करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इसमें यार बैटरी चार्ज नहीं होगी, होगी लेकिन नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादा चलेगा नहीं। यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाएगा जो कुछ ये जो है ना वो 3 वोल्ट का है दोस्तों, ये तीन वोल्ट का चार्जर है। नॉर्मल दोस्तों एडेप्टर में आप लोग चार्ज वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे है हमारे रोबोट कार। तो गाइज यहाँ पे प्लास्टिक और बिल्ड क्वालिटी दोस्तों काफ़ी गजब की यहाँ पे मिलने वाली है, काफ़ी मस्त। यहाँ पे जो पीछे पे ये वो रबड़ के मिलने वाले हैं, यहाँ पे एक रोटेशन व्हील है, यहाँ पे ये 100 पीस के लिए ये नॉर्मली कार बार चला सकते हो। कलर दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, इसमें अलग अलग कलर भी मिलते हैं, जो भी लेना चाहो वो आप लोग परचेस कर सकते हो। रिमोट की गाइस मैं बात करूँ ना तो काफ़ी हटके दिखने वाला रिमोट है। यहाँ पे ये जॉयस्टिक देख सकते हो, यहाँ पे ये देखिए ये दोनों जो की है दोस्तों, मुझे लगता है कि एक डेमो वाली हो सकती है और यहाँ पे रोबोट में कन्वर्ट करने के लिए भी हो सकती है। तो फटाफट से गाइस यहाँ पे मैं सेल अटैच कर लेता हूँ। इसमें गाइस आप लोग नॉर्मली सेल भी अटैच कर सकते हो, ये चार्जेबल सेल मिलते हैं। इसमें गाइस चार्जेबल सेल एक बार लगा दोगे ना तो दूसरी बार दूसरे सेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें नॉर्मली आप स्विच को ऑफ कर दो और आपके घर पे दोस्तों जो मोबाइल फोन वाला एडेप्टर है उसमें अटैच कर लेना है। फिर ये यहाँ पे इस तरह से पिन को अटैच करके आप लोग चार्ज कर सकते हो। यहाँ दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको अगर चार्ज करते हो तो इसको ऑफ करना ज़रूरी है, अगर आप लोग ऑन रखोगे तो बैटरी की लाइफ डैमेज हो जाएगी, तो वैसा दोस्तों नहीं करना है। तो फटाफट से गाइस मैं सेल अटैच कर लेता हूँ। गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने रोबोट वाली कार में सेल अटैच कर लिए हैं, और गाइस यहाँ पे ये देखिए हमारा जो रिमोट है वो काम कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो इंडिकेटर लाइट है वो जल रही है, काफ़ी बढ़िया तरह से वर्क कर रहा है। इस कार पर मैंने दोस्तों सेल अटैच कर लिया, अभी करते हैं ऑन। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी प्यारे से लाइट ऑन होने वाली है, जो नाइट में दोस्तों आपको काफ़ी बढ़िया मज़ा देगी। फिर गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखिए इसको आगे चलाना चाहो, ये देखिए ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन है, नॉर्मली कार भी चला सकते हो और फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट, ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, ये गोल गोल घूमेगी। और गाइस यहाँ पे ये है डेमो की, तो ये देखिए ये रोबोट बन जाएगी, इस बटन को प्रेस करोगे ना तो ये देखिए तो यहाँ पे हमारी जो कार है वो गाइस रोबोट बन चुकी है, काफ़ी बढ़िया। वापस से गाइस ये कार में कन्वर्ट हो जाएगी, ये देखिए, और रोबोट भी चलाना चाहो दोस्तों ये चला भी सकते हो आप लोग, ये देखिए। और गाइज यहाँ पे ये डेमो की अगर स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे डेमो की आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको आउटडोर जाके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये डेमो की, ये देखिए ये गाइस आप लोग देख सकते हो ये ऑटोमेटिक ही चलेगा, जो ये कर सकता है दोस्तों, जो गाइस ये कार कर सकती है ना स्टंट, वो सभी के सभी एक ही साथ आपको दिखा देगी किस तरह से स्टंट होते हैं, ये देखिए। अब बात करते हैं हमारे मेन जेसीबी क्रेन की, तो फटाफट से गाइस करता हूँ मैं ओपन, मैं भी गाइस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
तो गाइज यहाँ पे मैंने क्रेन को गाइज निकाल दिया है और इसमें भी चार्जेबल सेल मिलता है। तो मुझे लगता है कि इसमें चार्ज होने वाला ये जो सेल है वो 500 एमएच के हैं, यानी कि गाइज आप लोग आराम से आधा या एक घंटा चला सकते हो। और यहाँ पे है हमारे मेन क्रेन, मुझे लगता है कि इसको नहीं, ये रिमोट को गाइज निकाल देता हूँ मैं पहले, और ये आराम से क्रेन निकल जाएगी। तो गाइज यहाँ पे आप लोग क्रेन देख सकते हो और काफी कमाल की, और ये देखिए ये 360 डिग्री रोटेट भी मिलने वाली है, तो काफी गाइज मजा आने वाला है आप लोगों को देखने में यार। और गाइज इसकी जो बेल्ट है, अगर आप लोग वो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आराम से, ये आराम से निकल जाएगी। अगर धूल या मिट्टी वगैरह चिपक जाती है तो इसको वॉश वगैरह भी कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया रहेगा। और इसका रिमोट गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट मैं चार्जर दिखा देता हूँ, ये एडेप्टर के साथ ही आपको चार्जर मिलने वाला है, ये 3 वोल्ट का चार्जर है ये भी, ये देखिए इसमें चार्ज कर सकते हो। फिर गाइज यहाँ पे है हमारा रिमोट। तो गाइज जैसी क्रेन यहाँ पे मिलने वाले वैसा ही सेम टू सेम जैसा रिमोट यहाँ पे भी मिलने वाला है। इसकी गाइज मुझे जॉयस्टिक काफ़ी बढ़िया लगी। यहाँ पे गाइज ये वाला बटन है, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी बटन मिल जाएगा, ये देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो। तो फटाफट से मैं सेल को अटैच कर लेता हूँ, तो अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ, तो अभी जैसे ही कनेक्ट होगा ये लाइट जल जाएगी। तो फटाफट से इसको करते हैं ऑन यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा, और बॉक्स में भी गाइज दिखाया गया कि इसमें लाइट या साउंड होने वाला है। तो ये जो क्रेन की आवाज़ है इंजन की, वो आवाज़ सुनाई देगी आपको। और इसको कैसे कनेक्ट करना है गाइज, तो गाइज यहाँ पे ये जो क्रेन है वो कनेक्ट हो चुकी है, ये देखिए। और आवाज़ देख सकते हो आप लोग, इसमें आप लोग लेफ्ट राइट घुमा सकते हो, ये देखिए। और गाइज दोनों जो जॉयस्टिक है वो आप आगे करोगे ना तो ये आगे जाएगी, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये पीछे भी आएगी। और लेफ्ट राइट मोड़ना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से। और गाइज यहाँ पे ये जो दोनों बटन है ना, ये देखिए ये 360 डिग्री रोटेट करने के लिए है, ये देखिए गाइज यहाँ पे इसके जो फंक्शन है वो काफ़ी बढ़िया मिलने वाले हैं। और गाइज यहाँ पे जो दो बटन है वो ये जो क्रेन है उसको आगे पीछे करने के लिए, जो मिट्टी वगैरह या फिर कंकड़ वगैरह उठाने के लिए, ये देखिए दोनों ही गाइज अलग है, ऐसा नहीं कि सेम। यहाँ पे गाइज आप लोग देखोगे ना ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा, ये देखिए ये वाला अलग कर रहा है और ये वाला अलग कर रहा है, ये देखिए। इसमें गाइज डेमो की नहीं है यहाँ पे, लेकिन गाइज आप लोग को यार बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। तो चले तो गाइज अभी चलते हैं बाहर और यहाँ पे इन दोनों का टेस्ट लेते हैं, भाई कौन सी बेहतर कार रहने वाली, यहाँ पे हमारी मेन क्रेन या फिर यहाँ पे रोबोट कार। तो चले तो गाइज चलते हैं बाहर।
दोस्तों ये जरूर बताना कि इन दोनों आरसी कार में से कौन सी वाली कार आप लोगों को सबसे ज्यादा बेस्ट लगी। मुझे दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहाँ भी जो क्रेन है ना वो ही बेस्ट लगी, क्योंकि गाइज यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस है ना वो एक नंबर आपको मिलने वाला है। और गाइज मुझे इसका रिमोट भी काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों, ऐसा रिमोट बनाया गया है कि जैसे कि रियल क्रेन चलाना हो ना वैसा ही फील आने वाला है आप लोगों को। और बहुत सारे ऑप्शन गाइज आप लोगों को मिलने वाले, जो खेलने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गाइज बात करूँ मैं इस आरसी रोबोट कार की, तो गाइज ये मुझे नॉर्मली लगा, उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं लगा, क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया होगा वीडियो में कि उतनी ज़्यादा तेज़ चल नहीं रही थी, नॉर्मली कभी कभी रुक भी रही थी या फिर चल भी नहीं रही थी, बंद हो जा रही थी। तो मुझे गाइज ये वाली जो कार है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसकी प्राइस भी गाइज काफ़ी ज़्यादा है, ये 1400 रुपये के आसपास, अगर 800 रुपये या फिर 700 रुपये के आसपास तो काफ़ी बेस्ट रहता है। यहाँ पर इसका जो रिमोट है वो काफ़ी कूल बनाया गया है, लेकिन जो कार है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। वैसे दोस्तों प्लास्टिक क्वालिटी और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी मजबूत है, यहाँ पे टूटने वालों में से नहीं है, ये नॉर्मली रोबोट और कार बन जा रही है। तो गाइस जल्दी से जल्दी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी लेके आने वालों। तो अच्छे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।